राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी हम लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की जन्माष्टमी मना के चुके हैं, जन्मदिन मना के चुके हैं। तो उनका जैसे छोटे बच्चों का हम छठी मनाते हैं, उसी तरह से उनकी भी छठी मनाते हैं। तो जानेंगे कि छठी कब है, उसके पीछे कथा क्या है, विधि क्या है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वे बेल के साथ। बाल गोपाल कृष्ण के जन्म यानी जन्माष्टमी के छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। इस दिन घरों में बाल गोपाल को विधिवत स्नान पूजा कराकर काजल लगाया जाता है ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और किसी की नज़र ना लगे। हर घर में अपने बच्चे के जन्म की तरह ही लड्डू गोपाल की जन्म छठी और छह माह बाद प्राशन किया जाता है। अब जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की छठी कब है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोगों में घरों में कड़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी, लेकिन यह तिथि उन लोगों के लिए है जिन्होंने 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है। और जो लोग 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाए हैं, वो 23 अगस्त को कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। अब जानेंगे लड्डू गोपाल की छठी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का पुत्र दोबारा जीवित हो गया था। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आती। कृष्ण जी की छठी की विधि। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे, पीठ की तरफ से स्नान करना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों से कोई एक नामकरण किया जाता है। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन का धान्य का भंडार भरा रहता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी के पीछे की मान्यता बताते हैं। क्या है मान्यता? धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वसुदेव ने उन्हें काली अंधेरी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गुरु सेवा करें। जन सरोकार के लिए, मुख्य सुविधाओं के लिए के त्याग की भावना में मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब
जनों को प्रसाद वितरण करें, मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें, घर में किसी को भी हाथ खाली हाथ न जाने। आइए कथा बताते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पार भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली लगाकर ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा के ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से भोग लगाकर ने की विनती। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भगवान भोजन करने लगे। जब कुंभदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के रूप में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा, डांट के डर से बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को जब लगा कि अब रघुनंदन उनसे झूठ जरूर झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई और उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिया और दूर छिपाकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।